कटहल का कोफ्ता बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ले लेना है कटहल। तो ये मैंने कटहल ले लिया है और इसके छिलके हटा के इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले कट करेंगे। तो देखिए मैंने कटहल के छिलके हटा के कटहल को छोटे टुकड़ों में कट करके धो लिया है और इसे मैंने कुकर में डाल दिया। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे और 2 से 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे इसको आने देंगे। तो देखिए कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया मीडियम फ्लेम पे, 3 सीटी आने, 3 सीटी लगा के मैंने कटहल को अच्छे से बॉईल कर लिया है और अलग एक प्लेट में निकाल लिया। ये थोड़ा ठंडा हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, आधा कप बेसन इस तरह। अब इसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मीट मसाला डालेंगे या फिर आप कोई भी गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी डालना है, नमक भी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और इसमें हम कटा हुआ बारीक एक प्याज ऐड करेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनकी हम छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। अगर ये गीला लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से, आप चाहें तो इसे थोड़ा और बेसन डाल के कड़ा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इनकी इस तरीके से सॉफ्ट बनती हैं। इस तरीके से गोलियां बना के गर्मा गर्म ऑयल में आपको इसे फ्राई करना है। तो मैंने गर्मा गर्म तेल में ये देखिए डाल दिया है इन पकौड़ों को और इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है और सभी को फ्राई करके बाहर निकालना है। तो देखिए इस तरीके से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आपको इसे निकालना है।